आज मैं बहुत ही टेस्टी बड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मटर साग का बड़ा बनाने वाले हैं। सर्दी की मौसम है और ठंडी भी बहुत चल रही है, ऐसे में गर्मा गर्म कोई चीज़ खाने को मिले तो बहुत ही अच्छी लगती है सभी को, और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ पकौड़ा अथवा बड़ा मिले तो क्या कहना। तो चलिए बनाते हैं बड़ा, और बड़ा हम मटर साग का बनाने वाले हैं। इस साग का बड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। तो देखिए, मैंने 200 ग्राम लिए हैं मटर का साग और 200 ग्राम दाल लिए हैं, चना दाल। इस तरह का मटर का साग होते हैं, आप इस तरह से लेकर अच्छी तरह से इसे साफ करके और छोटे मोटे डंठल को तोड़कर इसे पानी से धोकर अच्छी तरह से और छान लेंगे और इस तरह से काट लेंगे, और चना दाल रात भर भिगोकर अथवा 4-5 घंटा भिगोकर छान लेंगे। 1 इंच अदरक टुकड़ा को मोटे मोटे कूट लिए हैं, 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और 1 कॉर्नफ्लोर लिए हैं 2-3 चम्मच, और तलने के लिए तेल। तो चलिए सबसे पहले दाल को पीस लेते हैं। तो दाल को पीस लिए हैं और देखिए दरदरा है ये दाल, बारीक नहीं पीसना है हमें और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो चलिए सबसे पहले मिला लेते हैं सारे चीज़ों को। तो सबसे पहले दाल डाल लेते हैं मटर के साग में, और इस तरह से फैला लेंगे इसे। अब इसमें डालते हैं सारे मसाले, अदरक, हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, और ये हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब हम इन सारे चीज़ों को अपने हाथों से मसल मसल कर सॉफ्ट करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। देखिए इस तरह से मसलते जाएंगे। तो अब सारे चीज़ें अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब इनमें से 1 नींबू के आकार के अथवा जितना बड़ा हमें बड़ा बनाना है उतना ही मिश्रण तोड़ करके इस तरह से गोल गोल लड्डू की तरह बनाकर और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे इसी तरह से बना लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने सारे बनाकर रख लिए हैं, अब चलिए चलते हैं इसे तलने के लिए। तो तलने के लिए पैन में तेल डालकर गैस ऑन कर लिए हैं, अब तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे बड़ा। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर और इस तरह से डालकर देखें तो तुरंत ऊपर उठ रहा है, यानी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन बड़ों को एक एक करके सावधानी से इस तरह से डाल लेंगे ताकि हाथ जले ना, और इस तरह से थोड़े हल्के हाथों से इस तरह से ऊपर चला देंगे, तेल तो ऊपर तक चला जाएगा। क्योंकि मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और बहुत कम तेल में तल भी सकते हैं। तो अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे पलट लेते हैं एक तरफ। तो देखिए बहुत ही अच्छा सिखा है, सभी को पलट लेते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही दूसरे तरफ भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो अब ये उस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देखिए इस तरह से सारे पलट लेते हैं, देखते हैं कोई कच्चा तो नहीं है। तो देखिए सारे पलट लिए हैं, अब इन्हें 1/2 मिनट और सेक लेते हैं। तो 1/2 मिनट सेक लिए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो टिश्यू पेपर डालकर निकाल लेंगे तो एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा बड़ा से। तो अब इन्हें साइड में रखते हैं और सारे बड़े इसी तरह से सेक लेते हैं पहले। तो बाकी का भी इसी तरह से डाल लिए हैं,
अब उसी तरह से इसे भी सेक लेते हैं। तो देखिए सारे बड़े तलकर तैयार है, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बड़ा बना है, चलिए इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए मैंने बड़ा को सर्व कर लिए हैं, आप चाहे तो गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, अथवा ऐसे ही कोई मनपसंद चटनी अथवा सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये बड़ा, और मैं इसका क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ, कितनी क्रिस्पी बना है ये बड़ा, और इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये बड़ा बनाकर जरूर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।